हेलो दोस्त, आई एम रवि। मैं एक कंपनी खोलने जा रहा हूँ जिस कंपनी का नाम है आरबी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरी कंपनी बहुत तरह की प्रोडक्ट बनाने जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। जैसे हमारे घरों में बहुत सारे लाइट, फैन, टीवी वगैरह वगैरह रहते हैं, सबको हम मैनुअली कंट्रोल करते हैं। हम सोच रहे हैं कि इसको हम रिमोट के थ्रू कंट्रोल करें। अपने मोबाइल जो आज घर हमारे घरों में मोबाइल की इतनी भीड़ रहती है कि बता नहीं सकते, पर आदमी एक मोबाइल तो मिनिमम रहता ही रहता है, किसी के पास दो तीन चार भी होते हैं। तो हम सोच रहे हर प्रोडक्ट को, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने मोबाइल से ही कंट्रोल करें। जब हर चीज़ आजकल डिजिटल होने जा रही है, मोदी जी का हमारे देश में सबसे बड़ा नारा है कि सारी इंडिया को डिजिटल बनाओ, तो हम उनका सहयोग करना चाहते हैं तहे दिल से कि उनका सही सोचें और हमारे प्रोग्रेस का भी एक एक छोटा सा ही नमूना होगा कि हम एक करके जो दिखा देंगे अपने घरों में लगा के, तो मोदी जी को भी बहुत साहसी मिलेगी कि हमारे देश के नौजवानों भी मेरे साथ हैं। तो इस तरह से हमारे घर में रिमोट, लाइट, टीवी, फैन वगैरह वगैरह सब समथिंग जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है सबको हम मोबाइल से कंट्रोल करें, रिमोट से कंट्रोल करें। एक इसका रेंज देंगे, हम रेंज में रहेंगे घर में, अपने कहीं किसी भी कोना में रहेंगे किसी रूम का लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, घर एक जगह से बैठे ही कंट्रोलिंग कर लेंगे पूरा घर के लाइट को। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाना खा रहे हैं या सोए हुए हैं, रजाई के कंबल से मोबाइल चला रहे हैं, चलाते चलाते वहीं से ऑन ऑफ कर लेंगे। हाँ, जैसे हमारे गांव देहात में हमारे किसान भाई हैं, वो लोग हमारे गांव देहात में किसान भाई लोग जाते हैं मोटर चलाते हैं, बहुत तरह बहुत जगह तो डीजल पंप भी यूज करते हैं, बट अभी बहुत जगह डीजल पंप की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ गई है, तो वो लोग इलेक्ट्रिकल मोटर भी यूज करते हैं। उनके लिए हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो हमारे किसान भाइयों को मेहनत थोड़ा कम करने पड़े, घर से बैठे ही मैनुअली हमको करते ही करते हैं, लेकिन उसको हम घर से बैठे ऑपरेटिंग कराने के लिए हम सोच रहे हैं रिमोट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू।